तो डीन एम्ब्रोस को दोस्तों सोशल मीडिया पर हिट मिलना चालू हो चुकी है। रीजन है दोस्तों उनका AEW को फिर से साइन करना। तो इस वक्त दोस्तों WWE फैंस चाहते थे कि द शील्ड का रियूनियन हो, जैसे कि आप ट्वीट्स में देख सकते हैं, कोई कह रहा है कि जॉन मॉक्सली ने गलत किया है AEW को फिर से साइन कर, कोई कह रहा है कि डीन एम्ब्रोस को WWE में लौटना चाहिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों जॉन मॉक्सली AKA डीन एम्ब्रोस ने AEW को एक्सटेंशन में साइन करके दोस्तों काफी गलत किया मेरे हिसाब से, क्योंकि दोस्तों इस वक्त HHH पावर में है और अगर डीन एम्ब्रोस WWE में आते ना तो उन्हें बहुत अच्छी बुकिंग मिलती है। ऐसे में दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या डीन एम्ब्रोस ने सही किया या फिर गलत, कमेंट डाउन बिलो। वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले हम स्मैकडाउन की रेटिंग के साथ। स्मैकडाउन की रेटिंग सामने आ चुकी है और गाइस रेटिंग आई है काफी अच्छी, 2.12 दोस्तों मापी गई है और ओवरनाइट में दोस्तों इसे कंपेयर किया जाए तो लास्ट वीक 2.13 थी, स्लाइट सी लो है दोस्तों। लेकिन आपको बताना चाहूंगा ये उतनी भी लो नहीं है जितनी कि दोस्तों मंडे नाइट रॉ की आ रही है। तो यहां दोस्तों मैं कहूंगा स्मैकडाउन एक हिट साबित हुई है। इसमें दोस्तों सेगमेंट तो काफी कूल थे लेकिन मैचेस उतने कूल नहीं थे। अब बात लगी है दोस्तों स्मैकडाउन की, तो बात कर लेते हैं ब्लड लाइन की, क्योंकि ब्लड लाइन का होने जा रहा है जल्द खात्मा। वेल दोस्तों ये चीज मैं नहीं कह रहा हूं, ना ही दोस्तों कोई ये बड़ी खबर है, दरअसल शेमस ने ये चीज कही है और शेमस दोस्तों एक फ्यूचर मैच टीज किया है। शेमस ने दोस्तों ट्वीट किया है द एंड ऑफ ब्लड लाइन स्टार्ट्स विद सोलो आयरलैंड वर्सेस आयरलैंडर्स हैशटैग केल्टिक वेंजेंस। अब आप बोलेंगे भाई शेमस को क्या हो रहा है, तो आपने कल स्मैकडाउन देखी होगी वहां दोस्तों शेमस जो थे अपने मैच में जीत रहे थे और गाइज ये जो मैच था इसके अंदर हमें बहुत सारे सुपरस्टार्स देखने मिल रहे थे और शेमस जीत भी जाते अगर दोस्तों सोलो को पीटते समय वहां जेएन सेमी नहीं आ जाते। तो ऐसे में दोस्तों कसम खा ली है शेमस ने और एक फ्यूचर मैच दोस्तों यहां से टीज हो रहा है जो कि है दोस्तों ब्रॉलिंग ब्रूट्स वर्सेस ब्लड लाइन। वेल देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन हाँ शेमस वर्सेस रोमन आगे होता है तो काफी मजा आएगा। हालांकि यहां दोस्तों उन्होंने कसम खा दी है कि अब ब्लड लाइन को खत्म करके रहेंगे। बात करते हैं इससे अगली न्यूज की, तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने रे मिस्टेरियो से। तो एक पर्टिकुलर मैच जो कि कल हुआ था, रे मिस्टेरियो जीत गए हैं और रे वर्सेस गंथर आगे होने वाला है। अब गाइस आपको बताना चाहूंगा रे मिस्टेरियो पर उनके बेटे ने फिर से शॉट ले लिया, वो चीज लिखे नाउ दैट आई हैव रन माय डैड ऑफ टू रो, यानी कि जब मैंने अपने बाप को भगा दिया मंडे नाइट रॉ से मैं आपको मिलूंगा मीट एंड ग्रीट में, जो कि दोस्तों उन्होंने आगे टीज किया है। वो एक चीज लिखे हैं कि मैं बताऊंगा रियल मैन कैसा दिखता है। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने खुद को असली मर्द बताया और अपने बाप को दोस्तों नकली मर्द बताया है। 17 अक्टूबर को दोस्तों ये जो मीट एंड ग्रीट है ये होने वाला है, देखते हैं वहाँ डोमिनिक क्या करते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज की, इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने रे मिस्टेरियो ट्रेड से। तो रे मिस्टेरियो ट्रेड हो चुका है, लेकिन सवाल उठता है ये कि रे मिस्टेरियो के एवज में अब कौन सा बंदा है जो मंडे नाइट रॉ में जाएगा। तो ये दोस्तों आपके मन में भी होगा सवाल और इसका जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों गौरव भाई आपको कोई भी दोस्तों चिंता नहीं रखने देता माइंड में। तो दोस्तों जवाब है ब्रॉन स्ट्रोमैन। ब्रॉन स्ट्रोमैन क्यों मैंने बोला, तो गाइज ब्रॉन स्ट्रोमैन ही इकलौते ऐसे व्यक्ति है जो कि इस वक्त सेंस करते हैं मंडे नाइट रॉ में जाना, क्योंकि ओमास के खिलाफ उनकी राइवलरी बिगन हो चुकी है। आपने देखा है MVP एंड ओमास को इस हफ्ते की स्मैकडाउन में, तो ऐसे में दोस्तों वो रॉ में ट्रेड होने वाले हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज की, तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी है दोस्तों मैंडी रोज से। तो मैंडी रोज दोस्तों एक बड़ा रिकॉर्ड बना सकती है। अब आप बोलेंगे कब बना सकती है, कैसे बना सकती है, तो गाइज बताया जा रहा है 26 अक्टूबर को अगर वो अपनी चैंपियनशिप आगे डिफेंड कर जाती है तो गाइज उनको हो जाएंगे 365 दिन कंप्लीट। अभी उन्हें 354 दिन हो चुके हैं एज ए NXT वुमन चैंपियन। तो मैंडी दोस्तों मेन रोस्टर में उतनी नहीं चली, लेकिन हाँ NXT में काफी तगड़ी चल रही है। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली बड़ी अपडेट की, तो भाई इससे अगली बड़ी अपडेट जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी हुई है हमारे AJ Styles एंड OC से। तो AJ Styles एंड OC पर क्या अपडेट है ये मैं आपको बता देता हूं। OC दोस्तों रिटर्न कर चुकी है, सब लोग जानते हैं जजमेंट डे के खिलाफ इनकी राइवलरी बिगन हो चुकी है और OC का दोस्तों मैच PW वालों ने कंफर्म कर दिया है, जो कि अगले हफ्ते की रॉ में या फिर दोस्तों कह लीजिए परसों की रॉ में हम लोगों को देखने को मिलेगा, किसके अगेंस्ट, हमारे चैड एंड ओटिस के खिलाफ। और गाइज यहाँ AJ Styles रिंग साइड पर होने वाले हैं। अब देखते हैं दोस्तों OC अपने पहले रिटर्निंग मैच में जीत पाती है या फिर नहीं। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज की, तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर से। तो जहां हमने रॉ की बात की आपको बताना चाहूंगा WWE वालों ने ब्रॉक लेसनर को भी कंफर्म कर दिया है। आपने दोस्तों बीती रॉ जरूर देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आपको याद दिलाना चाहूंगा वहां बॉबी लैशली के ऊपर अटैक हो गया था मैच से पहले और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि हमारे अपने लेसनर ने किया था। जड़े थे दोस्तों मल्टीपल F5, लगाई थी सुप्लेक्स और लगाया था किमोरा लॉक,
यहां दोस्तों ब्रॉक लेसनर को बॉबी लैशली कॉल्ड आउट किए थे अपना मैच हारने के बाद। और गाइस ब्रॉक लेसनर को WWE वालों ने कंफर्म कर दिया है अगले हफ्ते की रॉ में, और गाइस ब्रॉक लेसनर वहां आएंगे। बॉबी लैशली ने तो दोस्तों उन्हें गाली दे ही दी है, अब देखते हैं वहां वो कैसा जवाब देते हैं इन सब चीजों का। कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज की। तो इससे अगली न्यूज जो आज की मेरी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारी अपनी बैकी एंड शार्लेट फ्लेयर से। तो ना ही मुझे रोंडा दोस्तों फेस ऑफ WWE लगती है ना ही बियांका। यहां दोस्तों बात करूं बैकी एंड शार्लेट की, तो ये दोनों इकलौती ऐसी वुमन सुपरस्टार्स है जो कि अगर किसी से लड़ लेती है और वो सुपरस्टार जीत जाता है ना तो नाम हो जाता है उस सुपरस्टार का, यानी कि रियल मायने में ये दोनों महिलाएं ही फेस ऑफ मंडे नाइट रॉ एंड स्मैकडाउन है। वेल बात की जाए दोनों के ऊपर अपडेट आज के रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो के माने तो बैकी लिंच इज क्लोज टू रिटर्निंग फ्रॉम हर शोल्डर इंजरी एंड दैट शार्लेट फ्लेयर इज ऑल्सो शेड्यूल्ड टू बी बैक सून। यानी कि दोस्तों दोनों का रिटर्न जो है आप लोगों को जल्द देखने को मिल जाएगा। मेरे हिसाब से शार्लेट जल्दी आ जाएगी क्योंकि दोस्तों शार्लेट फ्लेयर को कोई इंजरी विंजरी नहीं है, शादी वादी रचाने गई थी, हनीमून मनाने गई थी, तो शार्लेट दोस्तों जल्दी आएगी। और बात करूं बैकी की, बैकी को इंजरी है तो मे भी दोस्तों रॉयल रंबल के आसपास दिख सकती है। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज की। तो इससे अगली न्यूज जो आज की मेरी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है फेंड कहूँ ब्रे वाइट कहूँ क्या कहूँ कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि दोस्तों ब्रे वाइट के इतने स्वरूप है कि अब फैंस की एक नई थ्योरी निकल कर सामने आ रही है। तो फैंस क्या मान रहे हैं कि वाइट सिक्स में भी एक ग्रुप ना होकर ब्रे वाइट के 6 किरदार हो, पहला दोस्तों विंडम का, दूसरा दोस्तों मास्क वाला, तीसरा दोस्तों ओरिजिनल ब्रे वाइट, चौथा वो 200 फायरफ्लाई वाला, पांचवा 200 फींड, छठा 200 हस्कस या फिर कह लीजिए हस्की हैरिस। तो कुल मिलाकर दोस्तों जो फैंस है वो थ्योरी चला रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों एक ग्रुप ही होने वाला है। और यहाँ दोस्तों जो उनकी स्प्लिट पर्सनैलिटी है उसका नाम निकलकर सामने आ चुका है, तो इसका नाम दोस्तों बताया जा रहा है अंकल हाउडी। अंकल हाउडी दोस्तों उस मास्क का नाम है जो कि कल आपने स्मैकडाउन में देखा है, और ये चीज़ बताई जा रही है कई सोर्सेज की माने तो इसी का नाम अंकल हाउडी है, जो कि दोस्तों उनकी एक स्प्लिट पर्सनैलिटी है जो कि उन्हें अच्छा नहीं होने देती। अब गाइस ये तो रही थ्योरीज की बात, वाइट सिक्स दोस्तों क्या वाकई में ग्रुप है या फिर दोस्तों ये ब्रे वाइट के 6 किरदार है, ये तो हमें समय ही बताएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों आज के अपनी सेकंड लास्ट न्यूज की। भाई सेकंड लास्ट न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने लोगन पॉल से। तो लोगन पॉल ने दोस्तों रोमन रेंस का रिप्लाई कर दिया है, तो आप सब लोग जानते हैं कि रोमन रेंस ने क्या कहा था। रोमन रेंस ने ये चीज कही थी कि बेटा लोगन पॉल तुम गलत जगह घुस चुके हो, तुम काफी डीप जा रहे हो, जिस पर लोगन पॉल ने आज रिएक्शन दिया वो चीज लिखी यू हैव नो आइडिया व्हाट्स कमिंग रोमन। इसका मतलब साफ है दोस्तों वो ये चीज कह रहे हैं कि रोमन तुम नहीं जानते, तुम मुझे बच्चा मान रहे हो लेकिन तुम नहीं जानते कि क्राउन जोल में तुम्हारा मैं क्या हशर करने वाला हूं। अब गाइस बात लगी है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की, बात लगी है दोस्तों हमारे अपने लोगन पॉल की, तो बात कर लेते अब क्राउन जियोल की। तो गाइस क्राउन जियोल हमारा अगला डेस्टिनेशन है, और गाइस इसके जो मैचेस के ऑर्ड्स है हम लोगों के सामने आ चुके हैं। तो इसके अंदर दोस्तों अभी तक सिर्फ दो मैचेस ही कंफर्म हुए हैं, पहला तो दोस्तों बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर, ये आप कंफर्म मान लीजिए। मे बी इसके अंदर स्टिपुलेशन जुड़े ना जुड़े इस चीज के ऊपर कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन इसके दोस्तों ऑर्ड्स सामने आ चुके हैं। और गाइस बात करूं ऑर्ड्स में दोस्तों जो हमारे अपने लेसनर है वो आगे बताए जा रहे हैं। रही बात दोस्तों अब रोमन रेंस के ऑर्ड्स की, तो गाइस रोमन रेंस के जो ऑर्ड्स है वो आप लोगों के सामने है। ट्राइबल चीफ दोस्तों 1.08 के साथ लीड कर रहे हैं, लोगन पॉल चलो हैं 6.50 के साथ, और इसका मतलब साफ है दोस्तों कि जो रोमन रेंस है वो इस पर्टिकुलर प्रीमियम लाइव इवेंट में आसानी से टाइटल डिफेंड कर जाएंगे। अगर दोस्तों लोगन पॉल के थोड़े से कम होते तब भी लगता दोस्तों कि फाइट जो है अब वो मैन टू मैन होती, लेकिन गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनका लोगन वर्सेस रोमन रेंस की तो एक तरीके का दोस्तों मैं कहूंगा ये फिलर मैच है। वेल मेन इवेंट कभी फिलर नहीं होता है, लेकिन स्टिल दोस्तों मुझे फिलर ही लग रहा है क्योंकि इसका रिजल्ट इतना ऑब्वियस है कि गाइस आप मुझसे पूछे ना, अगर दोस्तों लोगन पॉल जीत आते हैं तो गाइस पूरा इंटरनेट ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आपको क्या लगता है ट्राइबल चीफ के हारने के चांसेस है या नहीं, बताएगा। जो आज की वीडियो इतनी थी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक लेना ही, धन्यवाद, शुभ है।